नाज़रीन, सियासत ऐसा बेरहम खेल है जिसमें कल के दुश्मन को आज का दोस्त, आज के दोस्तों को कल का दुश्मन बनते देर नहीं लगती। बात तो इससे भी आगे बढ़ चुकी। इख्तदार का नशा अपनों को अपनों के सामने ले आता है। लैया की मुरव्वत भरी सियासी नगरी में भी अब ऐसी ही बेरहम खबरें अखबारात की शह सुर्खियों और टीवी चैनल्स की हेडलाइन का हिस्सा बनती दिखाई दे रही हैं। अभी जनरल इलेक्शन के इनेकाद को 2 साल बाकी हैं, लेकिन अगर लैया के हलका पीपी 281 का जिक्र किया जाए तो यहाँ इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। डोर टू डोर कंपेन, रूठे दोस्तों को मनाने और कॉर्नर मीटिंग्स के साथ साथ बड़े बड़े जलसों का इनेकाद रोजाना का मामूल बन चुका है। नाज़रीन, जहाँ तरक्याती वसाइल की कमयाबी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पुलिस स्टेशन, मार्केटों, बाजारों, तफरीही पार्क्स और प्लेग्राउंड्स का ना होना इस हलके की इनफरादियत है, वहीं अपनों का अपनों के सामने इंतखाबी मैदान में उतरकर मुकाबले का चैलेंज देना यहां की खसूसियत करार दिया जा सकता है। सामटिया खानदान के मोहम्मद अकरम सामटिया और मलक रियाज हुसैन सामटिया गुज़श्ता इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे। दोनों ने न सिर्फ वोटों को तकसीम किया बल्कि सपोर्टर्स को भी इम्तिहान में डाले रखा। साहबजादा महबूबुल हसन सिवाग और साबिक नून लीगी टिकट होल्डर मलक अब्दुल शकूर सिवाग आमने सामने आ चुके हैं। सिवाग खानदान के बीच इस सियासी जंग का चर्चा अभी जारी था कि हलका से पीटीआई के मुंतखब मेंबर सूबाई असेंबली सरदार शहाबुद्दीन सीहड़ को भी अपनों के ऐसे ही ऐलान पर इम्तिहान का सामना करना पड़ रहा है। साबिक जिला नाजम व पार्लियामेंटेरियन मलक गुलाम हैदर थिंद, जो कि एमपीए शहाबुद्दीन सीहड़ के सुसर भी हैं, उन्होंने अपने बेटे मलक सलाल हैदर थिंद को पीपी 281 का उम्मीदवार नामजद किया है। यूं बहनोई के मद्दे मुकाबिल ब्रादर इन ला मैदान में आजकल जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। सीहड़ खानदान के सियासी मुखालफीन इस सूरत हाल से न सिर्फ लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि प्लानिंग के तहत मामले को हवा देकर इस नहज पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वापसी के रास्ते मादूम हो चलें। एमपीए शहाबुद्दीन सीहड़ के लिए बरादरी निस्बती का सामने आना कितना बड़ा चैलेंज है और क्या एक ही फैमिली के अरकान का आमने सामने होना उनके पलड़े को कमजोर कर सकता है, ये सवाल आजकल जुबान जदोआम है। शहाब खान सीहड़ साबिक सदर मुमलकत परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में होने वाले पहले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जिला नाज़िब भी रहे। मुसलसल 2 बार अवाम ने उन्हें पीपी 281 से अपना नुमाइंदा भी मुंतखिब किया। एमपीएस की कारकर्दगी के होने वाले मुकाबले में लैया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कैटेगरीज में दिए गए लीमा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का मिलना उनकी बतौर मेंबर असेंबली कारकर्दगी का बड़ा एतराफ है। ताहम इसके बावजूद सियासी मुखालफीन और नाकदीन उनकी मौजूदा कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए हुए हैं। इन सवालात में कितनी सदाकत है, अवामुन्नास की अपने नुमाइंदा से क्या तवक्कुआत वाबस्ता थीं और हैं। मलक सलाल हैदर थिंद का हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान एमपीए के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने मेंबर सूबाई असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राए मवासलात सरदार शहाबुद्दीन खान सीहड़ को आज मदऊ किया है। बात के आगाज से कबल लेंगे एक मुख्तसर वक्फा, फिर प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा में इन सवालात पर पड़े पर्दों को सिरकाने और मामलात को मंजरेआम पर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाँ सर, बहुत वेरी वार्म वेलकम, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा में। परफॉर्मेंस लीमा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आपको मिला, खुशायद है और वाकई ये एक बड़ा अवार्ड था। इसके बावजूद पिछले दिनों मलक अब्दुल शकूर सिवाग साहब का इंटरव्यू हमारे पास हुआ और जब हमने आपकी कारकर्दगी के हवाले से उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि राजन शाह वाली एक बड़ी सड़क
और उन्होंने कहा कि ये भी चार मेंबराने असेंबली की रिकमेंडेशन के बाद मिली, इसके अलावा उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बताइए कि आपने क्या किया वहाँ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुस्लिम साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लगे जैसे रिमोट इंडिया में आपने एक इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा चैनल, माशाल्लाह आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने जो सवाल किया है मेरे कभी शुरू सवाल के हवाले से, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं। ये रिकॉर्ड की बात है कि आप डीसी ऑफिस, सीएम ऑफिस से कि ये सड़क जो 37 किलोमीटर पर मोहित है, मेरा पूरा हल्का टच करती है, सिवाय इस हल्के में मलिक, ये मलिक नियाज़ अहमद जक्कड़ साहब, एम एन ए, और पीर रफाकत साहब का सिर्फ पोर्शन आता है सिर्फ 4 किलोमीटर। ठीक, टोटल ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, लस्कानी अला टूवर्ड्स खर चौक, 32 किलोमीटर में और किसी का हल्का नहीं आता। मैं आपके चैनल के हवाले से अपने भाई मलिक अब्दुल शकूर सुबह को कहूँगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कहीं बैठ जाए, अगर इस सड़क में किसी और का कंट्रीब्यूशन है, वो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन जो मौजूद हैं उनसे खुद पूछ सकते हैं कि ये मंसूबा किसका है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बात की कि और कौन से प्रोजेक्ट, अगर मैं आपसे थोड़ा सा वक्त लूँगा जी, के हल्का पीपी ये 263 पहले था जी, ये जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम बना उसके बाद बना गया हल्का, तो हमारा खानदान सियर खानदान जो है वो आज से तहसील करोड़ हो, तहसील लिया हो, तहसील चुबारा हो, कोई नई सियासत नहीं कर रहे। मेरी पैदाइश से भी पहले मेरे दादा बशीर अहमद खान साहब, मेरे वालिद बहराम खान साहब, मेरे चचा जहांगीर खान साहब, मेरे कज़न बहादुर खान साहब, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब होते चले आ रहे हैं, और हमें सियाड फैमिली को ये एजाज़ हासिल है कि हम 7 दफ़ा कौमी असम्बली में और 2 मरतबा सूबाई असम्बली में और बतौर पहले डिस्ट्रिक्ट नाजिम, ये हमारी सियाड फैमिली से है। जब लास्ट टाइम मैं पीपी 281 से कंटेस्ट किया मैंने इलेक्शन 2013 का, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से लड़ा थी, तो इत्तेफाक से समझ गए कि उस वक्त हम लोग अपोजिशन में आ गए। मुझसे पहले यहां से सफदर भट्टी साहब बने, उससे पहले मलिक अल्लाह बख्शांतिया साहब बने यहां से, तो ये हल्का खसूसन इतनी पसमानगी से वाबस्ता था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, इस हल्के को इतना निगलेक्ट किया गया। यहाँ से 2013 में मेरे साथ साहबजादा फैजुल हसन साहब एमएलए बने थे, तो इतना निगलेक्ट किया। इसी वजह से जब मैंने अपोजिशन में 5 साल गुजारे, तो जब इमरान खान साहब लैया आए, इलेक्शन से पहले की बात है, 18 के इलेक्शन से पहले, सबसे पहले तो मैंने भरपूर अपोजिशन की। आपको भी याद होगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट के, साउथ पंजाब के खसूसन जो मसाइल थे या उनकी महरूमियाँ थी, वो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में उनको उजागर किया। लेकिन उस वक्त की अगर 2 हुकूमतें ने 8 से लेकर 13 से 18 तक कोई ना सुना, तो जब इमरान खान यहाँ आए तो उनका एक नियम के मुताबिक, ऐसा फंड्स तो एक बार ऐसा भी हुआ कि उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि फंड्स आप में बराबर तकसीम सबने करेंगे, हम लेकिन पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने इनकार किया था कि हम नहीं लेना चाहते। मुस्लिम भाई, ये आप बात बताऊँ,
कि ये एक दफ़ा ऑनरेबल सीएम साहब या शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला जब मेरी बजट तकरीबन 2015-16 की स्पीच थी उन्होंने सुनी तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप मुझसे मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 MPs हम लोग और PMLQ के 8 MPs और इंडिपेंडेंट 3-4 लोगों ने हमने मुलाकात की उनसे असेंबली चैम्बर में। राणा सनाउल्ला साहब भी मौजूद थे उस वक्त, लॉ मिनिस्टर थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस सीएम डॉक्टर तौकीर शाह मौजूद थे। जब मैंने एक मीटिंग की तो उनको साउथ पंजाब की महरूमी के बारे में बताया तो उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। कमेटी राणा सनाउल्ला साहब की सरबराई में PMLQ की तरफ से चौधरी आमिर सुल्तान सीमा, पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरा नाम और इंडिपेंडेंट में रजाक नियाजी साहब खानीवाल से एम किए थे, 3 बंदे उस कमेटी में शामिल हुए कि आपको प्रॉपर फंड्स भी देंगे, प्रॉपर आपको जॉब भी देंगे, आपके हल्के की महरूमियों का अजाला करेंगे। बदकिस्मती से 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह हमसे स्कीमें तो लेते रहे लेकिन एक पैनी भी हमें नहीं दिया गया। मजबूरन उस वक्त की असेंबली में मुझे बड़े सख्त अल्फाज में सीएम साहब को, उस वक्त के सीएम साहब को कंडेम करना पड़ा फ्लोर ऑफ द हाउस कि आपने हमसे मुलाकात की थी, हम लोग मिले थे, आपने हमारी महरूमियों के इजारे के मुताबिक वादा किया था। तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि वो वादा वफा नहीं हुआ तो मैं सीएम साहब आपको क्या कहूँ। ठीक, तो बात मौजूदा प्रोग्रेस। तो जब मैं PTI में शामिल हुआ तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोगों को मोटिवेट किया कि पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं कर रही तो मुझे PTI में जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप जहाँ से भी लड़ें हम आपके साथ हैं। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने PTI का टिकट लिया, मैं कामयाब हो गया और हमारी गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट बनने के बाद कमाल मेहरबानी करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला उस्मान मुज़दार साहब ने मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स बनाया। ये आज उन्हीं का मजहर है कि मैं बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो दया का रोड नेटवर्क है उसमें आप लोगों को तब्दीली नजर आई होगी। ये अभी मैं बात कर रहा था 37 किलोमीटर सड़क जो लगभग अब 1 अरब रुपए क्रॉस कर चुकी है हर साल रेट बढ़ने की वजह से, और ये रैया सिटी को टच कर रही है और जहाँ से मेरा हल्का शुरू होता है रसकानी वाला वहाँ से शुरू होती है ये इस सड़क में। मैं आज भी आपके चैनल के हवाले से ये ओन करता हूँ कि तमाम पार्लियामेंटेरियन से आप पूछ लें कि अगर इस सड़क में किसी का भी कंट्रीब्यूशन थे इसके अलावा, ये मैं पहले रोड नेटवर्क की बात की थी, राजन शाह टू बंगला नासिर था कारपेटेड रोड दूसरी जो पहले साल 2019-20 के बजट में कंप्लीट हुई, उसके अलावा उसे रैप वन कहा जाता है सड़क, वो तकरीबन 9 किलोमीटर पर हुई थी। इसके अलावा वाड़ा सिन्हा रोड करोड़ सिन्हा जहाँ से मेरा हल्का शुरू होता है एक पुल है बोधो जिसे कहते हैं, वहाँ से रैया तक कारपेटिंग वाड़ा से ये तकरीबन 8-7 किलोमीटर वो सड़क है, वाड़ा सिन्हा से टूवर्ड्स शेरवाला 9 किलोमीटर, शिवाला टूवर्ड्स क्रोर और बस्ती शेख खान टूवर्ड्स लस्कानी वाला और बस्ती काजी टूवर्ड्स बस्ती मल। उसके अलावा नशेब में मुख्तलिफ
ये राउंड अबाउट मेरी जो फार्म टू मार्केट रोड्स हैं उसमें तकरीबन 120 किलोमीटर फार्म टू मार्केट रोड्स रिहैबिलिटेट हुई है और न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। क्योंकि इसकी मेन वजह ये थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान गुजदार साहब का। और उसके अलावा मेन जो फैक्टर बना इनकी रिहैबिलिटेशन का सकूंगा वो था शुगर केन सेस फंड, जो पिछले 10 साल में प्रॉपर खर्च क्या होना कि हमारा जो शुग मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अब PP281 उसमें 80% शुगर केन का और पहले 10 साल में PP281 का गरीब काश्तकार 2.80 रुपए फी मंथ के हिसाब से उनको कटौती लगती थी, पे वो करता था लगता और हल्को में था, टोटल इग्नोर किया गया। अल्लाह ताला की फजल करम से इस 3 साल में मैंने वो तकरीबन 40 करोड़ रुपया शुगर केन और भी मेरे हल्के से बाहर कास्ट होता है लेकिन मैक्सिमम मेरा हल्का पे करता है, तो उसमें से 29 करोड़ रुपया ये पहली दफा हुआ है कि इस 3 साल में कच्चे के इलाके में शुगर केन के इलाके में जो थल भी आता है उस इलाके में। अच्छा, किसी मेगा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, अच्छा मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो जब मैंने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में तो ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया कि किसी रिमोट एरिया में एक गरीब की बच्ची कॉलेज की तालीम कैसे हासिल करेगी, तो ये मैंने 5 यूनिट क्वेश्चन जो मेरी थी, यूनिट क्वेश्चन बसीरा, यूनिट क्वेश्चन सऊवाला, यूनिट क्वेश्चन शाहपुर, यूनिट क्वेश्चन राजनिया और गले वाला के मिड में गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन मैंने बनवाया अल्लाह ताला के फजल करम से। अब वो मुकम्मल होने जा रहा है और आपके चैनल से मैं अपने इलाके की उन बेटियों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इस नवंबर दिसंबर में वहाँ क्लासों का इजरा हो जाएगा। इसी तरीके से फतेहपुर और चौकाजम के दरमियान मैंने दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज ब्रायवादीन मंजूर करवाया जिसका संग बुनियाद अगले महीने में रख रहा हूँ। ये 15 साल तो किसी को नजर नहीं आया मुझे कि यहाँ कॉलेज आपके एरिया में नहीं बना लेकिन सारा साहब के एरिया में भी बने, लथाने वाला भी बना, औरत साहब के एरिया में बने, नबियाबाद वाला औरत साहब के हल्के में बना तो एक कॉलेज बना जी, अचराना साहब के हल्के में बने तो एक कॉलेज उस वक्त जब मैं डिस्ट्रिक्ट आजम मेहरान वाला बना अभी मेहरान नहीं, एक तो उनका रिपोर्ट सुल्तान कॉलेज बना वो काबिल एहतराम है, आई वॉज डिस्ट्रिक्ट आजम मैं जिला आजम था वो अपोजिशन में था, वो कॉलेज आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि वो सुल्तान कॉलेज किस तरीके से बना हमारी कोई बना नहीं। हाँ उसके बाद एक पी जे भी बना तो वो कहते थे सलैम शाह साहब ने धोरी एक कॉलेज उन्होंने बनवाया, तो अब चौथा कॉलेज भी धोरी हमारी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ऐसा था मुखालफिन आपके फिर भी सरे आम जलसों में ये इल्ज़ाम आयद करते नज़र आते हैं कि जो मंसूबे हैं इनमें आपने कमीशन खाया है, उनके लिए भी इल्ज़ाम है कि नौकरी आपकी तरफ से बेची गई है, मेरिट पर तकसीम नहीं की गई, आपकी तरफ से इसका जवाब नहीं आया कहीं पे भी, या आप उनको इस जवाब के काबिल नहीं समझते या आपके पास कहने को कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मेरे लिए तमाम पार्लियामेंटेरियन साबिक हों या मौजूदा काबिल एहतराम है। रही बात जवाब देने वाली कि यहाँ कुछ नए पॉलिटिशियंस जो आए हैं उन्होंने एक कल्चर जो डेवलप किया है पॉलिटिक्स में जो 50-60 साल से मेरी 55 साल उम्र है बिल्कुल और 24 साल मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे जवाब देना
पसंद नहीं। रही कमीशन की बात, अगर जो भी इल्जामात लगाए गए या जो लगाने वाले उनका नाम नहीं होगा, ठीक है, मेरा दामन आज भी साफ है। मैं 4 साल डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा हूँ, 1 अपोजिशन का दौर रहा हूँ और 3 साल ये मेरा इक्तदार का। अगर मैंने 1 पैनी कमीशन लिया हो, अगर वो साबित कर दे, मैं सियासत को खैर बात कह दूंगा। रहा जो बात कर रहे हैं उनका माजी हाल देख लिया कि उन्होंने लिया ने क्या कुछ किया, जिनके मुतालिक पब्लिक जबान ज़दे आम है। मुस्लिम भाई मुझे तो नैब ने नहीं बुलाया, मुझे तो एंटी करप्शन ने नहीं बुलाया, मुझे तो कैसे ऐसे वफाकी इदारे ने बुलाया तक नहीं कि आपने कोई करप्शन की है, आपने इख्तियारात का कोई नाजायज इस्तेमाल किया है। तो जिनको बुलाया गया है अगर वही लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं कि लैंड माफिया कौन है, कब्जा ग्रुप कौन है, एडजस्टमेंट सर जिनके हाथ अपने लगे हुए, आप कहते हैं कि वो अगर उंगली उठाए तो बनता नहीं, बनता नहीं, ठीक है, मेरिट पे नौकरियों के हवाले से उन्होंने सवाल किया था। अच्छा बिल्कुल, ये बात भी मैं ओपन कर दूं, आज क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के हवाले से मौसम भाई आप बखूबी गैया की सियासत से भी आगा रहे हैं। अब तक तमाम पार्लियामेंटेरियन को 11 के लगभग नौकरी मिली है क्लास 4 की, जो मैंने एक सिस्टम बनाया था, जो जिस वक्त जिला नाजिम था उस वक्त भी मैं अपने ऑफिस में ओपन कुलंदाजी के जरिए कम से कम 500 के लगभग क्लास 4 को मुलाजमे बजरिया पूरा अंदाजी मैं देता था। जब मैंने 11 नौकरी देखी तो मेरे देने पे रोज 200 बंदा होता है, 300 बंदा होता है, तो मैंने उनको कहा इकट्ठी कर ले, पूरा अंदाजी करेंगे, जब 50-100 आ जाएंगे तो उनमें ओपन से पूरा अंदाजी करवा देंगे अपने वर्कर्स को। तो उसमें क्योंकि 15 साल की मेरी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट नाजिम के बाद हम तो दस एक तरह गवर्नमेंट में नहीं आए, जो मेरे मुलाजमीन थे, मैं आज अगर आपको उनकी एक लिस्ट भी फराहम कर, वो खसूसन उसको चलाइएगा जो तीसरी पुश्त से हमारे साथ आ रहे हैं, जिनको घर की गंदम मैं भेजता हूँ, मेरे भाई भेजते हैं, उन्होंने कहा कि हम भी राइट रखते हैं क्लास 4 के मुलाजमीन का। तो मैंने वो 11 नौकरी उन्हें तकसीम की मुलाजमीन के बच्चों में और पब्लिकली कहा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे जवाब नहीं दिया मुलाजिम समझा। आज मैं यहाँ आपको लिस्ट देकर जाऊंगा, उनका बायोडेटा पता कर ले कि किसी बंदे, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो मासूम बात कर रहा है उनसे, उनके भी बुजुर्गवार ने मुझसे एक सीट मांगी थी, मुझे नौकर रसीद दे, तो मैंने कहा जी आप दे दो, और वो सीट वो नौकर को नहीं गई, एक वाइट बंदा है, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है, काबिल एहतराम है, मेरे लिए मैं उनकी बात नहीं करता, जिसने मेरे खिलाफ बात की है उसी ने मेरे घर से आकर आर्डर दिए और अपनी खाला के बेटे मोहम्मद अली सन ऑफ गुलाम रसूल क्या अपॉइंटमेंट हुई है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल। बस इतना समझ ले कि अगर मैंने उनसे पैसे लिए हैं तो फिर मैं अपने मुलाजमीन से भी पैसे लेता हूँ। अच्छा लेकिन सर इस पे एक सवालिया निशान तो आता है इस निज़ाम के ऊपर, 14 से 15 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया दर्जा चारों का, अगर कोटे के तहत ही तकसीम होनी है सबका अदवार की तरह, कोटा आपको मिलना है 11 का, दूसरे को 10 का मिल जाना, तो फिर उन बेचारे 14 हज़ार लोगों से वो प्रैक्टिस करवाने की क्या ज़रूरत है? अगर सबका निज़ाम ही था दर्जा चार की आपने बांटनी है तो उन बेचारे 14 हज़ार को लाइन में क्यों लगाया गया? नहीं मौसम ने बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये एक मैकेनिज्म जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाया था, क्योंकि उसमें
बहुत सारे एक्टिविस्ट शामिल हुए थे। उससे तो हटके वैसे उनके बयानी से तो हटके आपकी बात। अरे अब मेरी बात पूरी सुन लेना, उस समय कि तमाम पढ़ी लिखी जॉब्स चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आज मैं दावे से ये कह रहा हूँ कि एक नौकरी में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, और वो चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। मिसाल के तौर पे हमने तकरीबन 30 से 35 हज़ार डॉक्टर्स भर्ती किए हैं, उसमें तो हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस खास से यही से हम बात करें। अच्छा मैं प्लीज़ बात थोड़ी सी बोलूँ, जो क्लास फोर की नौकरी आई है उसमें मैरिट नहीं होता, मैट्रिक सर ये सवाल नहीं है, चल नहीं होता, लेकिन बात ये उन बेचारों को क्यों में लगाने की क्या जरूरत है, 14,000 लोगों को उम्मीद दिलाने की, घरों में घरों से चलते हैं वो, घर में माए दुआ विधवाएं मांग रही है कि मेरा बेटा नौकरी के लिए जा रहा है, तो लेकिन यहाँ पे तो MPS ने अपनी मर्जी के लोगों को दे दी है, तो उन बेचारों का कसूर क्या है? फिर इसमें देखिए ना, इसमें मैं बात करूँ कि ये सिस्टम भी है, नहीं सिस्टम की कमी है। जब प्रीवियस गवर्नमेंट को उठा के देख लिया, ये मैं जिन्होंने 35 साल इस सूबे में हुकूमत की और 3 बार फेडरल में हुकूमत की, ये एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की थी, और अनफॉर्चुनेटली तो ऐलान किया आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, ये तब्दीली का नारा तो यही था कि हम सिस्टम को तब्दील कर रहे हैं। नहीं देखिए, सिस्टम 3 साल में अगर मौसम भी आप कहें कि हम सिस्टम में बिल्कुल तब्दीली ला देंगे तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगा। खान साहब आपने जिक्र किया था कि मेरी जायदाद जो है वो कम हुई है, बड़ी नहीं है, कमीशन के इल्जाम जो है वो गलत है, लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ पे मौजूद है कि ज़रई फार्म जो था वो बहुत अरसे से आपके कब्जे में था और बिलाखिर वो गवर्नमेंट ने खाली करवा दिया आपसे, अगर वो जायज़ था आप दावा करते रहे कि आपका है, और अगर जायज़ था तो आपने उसको छोड़ा क्यों, अगर छोड़ा है तो फिर उसकी लाइबिलिटी इतना अरसा आपके कब्जे में रहा तो वो किसके खाते में जाएगी? मौसम जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये जो रकबा था तकरीबन 60 एकड़ की, ये जहाँ थल कैनाल आई 1951 में जी, ये रकबे के सिक्के थे, ये थे सन ऑफ द साइल के ठीक, जो लोकल मालकान थे जी, जहाँ हमारा कुआं मौजूद था, हमारे दादा बशीर अहमद खान का, उस वक्त ये कुएं से 10-15 एकड़ से आम होता था ठीक। उसके बाद ये मैं अपने पैदाइश से पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आबाद किया 1951 में जब ये थल के राज आई तो इन्होंने तमाम रकबा मौजों का, उस वक्त चकूक नहीं बने थे मवाजियात, ये करोड़ थे जब भी मौजूद ठीक, ये इंक्वायर कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने 1/3 लोकल मालकान को वापस करना था और उसके अलावा बाकी गवर्नमेंट ने खुद रखना था, माजर फार्म लेके थे फार्म, ये टीडीए एक्ट थे भी वही माजर फार्म, और ये किस वो फार्मूला क्या था, बदकिस्मती हमारे कानूनी डिस्ट्रिक्ट की कि उन्होंने जमीन को आबाद करके देना था, ये आपको याद होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा शॉप है वहाँ का सही शॉप है, तो बाद में शिफ्ट हुई ना, तो वो जमीन आबाद कर दी गई हमें और ना ही प्रॉपर पानी हमें मिला, आज तक बात कर रहे हैं ठीक, और यही रकबा 1965 में उस वक्त एडजस्टमेंट होती थी फर तकसीम के ऊपर, आज भी ये दावे से कहता हूँ कि वो बशीर अहमद खान के नाम यही किला यही मुस्तकीब मौजूद है, और ये सवाल तो सर आपके सरेंडर का है, अब आपने क्यों सरेंडर, मैं तफसील से क्योंकि बात तफसील से ये मुख्तलिफ अदवार में मुझसे भी पोजेस्ट होता रहा, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट छोटे कोर्ट्स का सहारा लेकर इस रकबे को, क्योंकि आबाद हमने खुद किया था, टीडीए के एवज हमें मिलना था, हमें अपनी चॉइस मुताबिक रकबा मिलना था,
करोड़ था जल्दी की ही रकबा था और करोड़ था जल्दी वही मिलना था। जब एक हमारी गवर्नमेंट की ये बात देखी कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से चिट्ठी जारी करवाई कि टाउन कमेटी हो, म्यूनिसिपल कमेटी हो और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये लिस्ट बना दी है, तकरीबन टाउन कमेटी की 5 किलोमीटर, म्यूनिसिपल कमेटी की 10 किलोमीटर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 15 किलोमीटर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये आज से एक साल पहले का लेटर है, वो भी आपको मैं दे दूंगा कि जब मैंने मशवरा किया अपने वकला से, अपने दोस्तों से कि ये मुझे इलाज नहीं हो सकता, वो भी मैंने मुझसे बात बाजार नहीं कराया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने खुद जाके ये मैंने भी तो यही कहा आपने सरेंडर किया, खुद जाकर जो आपको मिला मुतमिन है बिल्कुल। मैं वो क्योंकि प्रोटेक्टेड जोन जो बनाया गया था, डिक्लेयर हुआ था, उससे बाहर मिल सकता था, बाहर मिल सकता था। इसीलिए मैंने एसीआर की अदालत में ये रकबा बागुजार की हुकूमत को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अरबों रुपए वाली इनका, और मैंने हजारों वाली जमीन ली और अरबों रुपए वाली मैंने गवर्नमेंट को वापस की। सर इसमें जो तावान बनना चाहिए था बना आपके नाम पे कि नहीं? तावान उस पे बनता है, ये भी तावान एक्ट है। मैं आपको नजायज काबिजों साबित हो गया इसीलिए क्योंकि नो मेरी इंटाइटलमेंट मौजूद थी तो मैं काबिज था। एक पेंशन थी, इसका ढक्कन मुझसे आपने ले लिया, ये आपने मुझे वापस करनी थी, मैंने फुल पेमेंट आपको रकबा हमें पूरा मिला नहीं है बशीर अहमद खान का। मैं उसी हक वापसी के तहत उस रकबे पे काबिज था, उसी रकबे की आवाज मैंने किया, फसलें मैंने उठाई। जब मुझे मुतबादल मिला तो वो ओनरशिप छोड़ के अब मैं उस रकबे पे जाऊंगा, उस पर खर्चा करूंगा, आबाद करूंगा, वो काबिल काश्त होगा, उसको नहरी पानी लगेगा जो प्रोटेक्टेड जोन से बाहर है। ये तावान अगर मुझ पे लगना होता तो इसके लिए मैं ओपन आपके चैनल से बात कर रहा हूँ कि तावान की ये मद में आता है तो मैं तावान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आता नहीं। सर अब नहीं आएगा तो जब फाइल कहते हैं बंदे की, जब बंदा ऊपर आता है तो फाइल नीचे नीचे आता तो फाइल तो फिर कभी आ सकती है ऊपर से। मैं ये हर किस्म की ये भुगतने के लिए तैयार क्योंकि मैं लामोहिम हूँ। मैंने आपको अर्ज किया रोशन भाई कि मैं 26 साल से फिजिकली पॉलिटिक्स में मौजूद हूँ, ठीक है? तो मेरे पास अगर इसके एक मिसाल में आपको ये अगर मैंने एडजस्ट करवाना होता तो मेरे पास तो जिला नाजम का इख्तियार भी था। मैं आज दावे सुनकर काम कर गया, अगर मैंने एक मरला शहर को तीनों तहसीलें हो एक मरला भी मैंने एडजस्ट कराया हो, किसी गरीब को बेदखल कराया हो, किसी गरीब पे पर्चा करवा कर खाली करवा कर रकबा भेजा हो, तो आज इस चैनल वॉइस टूडे के हवाले से आज भी मैं अपनी सियासत छोड़ने को तैयार हूँ और जिंदगी भर सियासत। अच्छा आपकी तो बात हो गई, अगर हम ये देखें कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन फ्री माहौल बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए जो है वो नारा लेके सामने आई थी, लिया में मौजूदा ये 3 साल में जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे रही, आप मुतमिन है कि यहाँ से करप्शन कम हुई? अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल के दादोशुमार हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो करप्शन बढ़ी है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं? यहाँ पे हम तो समझते हैं कि एज ए मीडिया पर्सन के दुकानें पहले से भी ज्यादा खुली है, शटर सुबह उठाए जाते हैं, पैसे जमा किए जाते हैं, बाद में तकसीम करके घरों को चले जाते हैं। कोई एक दफ्तर की आप मिसाल दे सकते हैं जहाँ पे आप कहें कि यस ये प्रॉपर काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स हैं, पुलिस है, इन सभी के ऊपर जहाँ से अवाम का बरह रास्त रहा है, आप मुतमिन हैं कि वाकई बिल्कुल ठीक हो गया, करप्शन नहीं हो रही, पैसे नहीं चल रहे, रिश्वत नहीं दी जा रही?
नहीं मोहसिन भाई, इसमें मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, लेकिन करप्शन या रिश्वत, एक इमरान खान साहब का एक नारा था करप्शन फ्री पाकिस्तान जी, तो इसकी मिसाल मैं ये दूँ कि करप्शन तरक्की याफ्ता ममालिक में बढ़ती है, चाहे मगरब हो अमेरिका हो जी, बढ़नी तो नहीं चाहिए थी ना सर, ये तो बढ़ गई। मेरी गुजारिश सुन लेना आजाद जराए के ये इदादोशुमार नहीं, इदादोशुमार बिल्कुल, ये करप्शन जरूर बढ़ी है जी, लेकिन कट डाउन भी हुई है, ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं कोई एक महकमा, कोई एक अफिसर, कोई एक अहलकार आप बता सकते हैं जैसे प्रॉपर बिल्कुल जनाब फर्श नासी से ये काम कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि कोई महकमा नहीं बता सकता, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का एम एल एज एम डी एस का काम होता है कि चेक एंड बैलेंस रखें। ठीक है, मैं तो पिछले अपने चार साल बतौर जिला नाजिम आपको याद होगा या इस तीन साल में मेरे किसी जायज काम के कहने पे अगर रिश्वत किसी ने तलब की है या किसी ने ली है तो मैंने कंप्लेंट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो और डिपार्टमेंट्स हो, उन पे एक्शन हुआ है और वो कैफे किरदार तक पहुंचे हैं। लेकिन खान साहब एक या सीएम एक या मैं एक अगर बिना उठा लो कि हमने करप्शन खत्म करनी है तो यह नामुमकिन बात है। जब ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक इस मुल्क में जो हाल हुआ है पिछले और तो मैं अपनी बात करता हूँ 26 साल से पॉलिटिक्स में जो इस मुल्क का हाल हुआ है वो मौसम भाई आपके सामने है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब का भी है, गुजदार साहब का भी है, आज 3 साल हो गए, 5 साल के बाद भी मैं दावे से कहता हूँ कि कोई ऐसा स्कैंडल हमारे वजीर आजम साहब पे, वजीर आला साहब पे, जैसे मैंने बात की है कि बतौर डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी और इस 3 साल का कोई स्कैंडल सामने आए तो मैं तो उसी वक्त सियासत को खैर बात के कुछ ऊपर वाली सतह पे तो शायद होंगे, अभी जैसे अभी आज का स्कैंडल सामने आया या जिससे दूसरे मकामी सतह की हम बात नहीं कर रहे सर, भर्तियों का इश्तिहार आता है तो रेट मार्केट में पहले आ जाता है, पटवारियों की भर्तियाँ होने जा रही है, किस नज़र से देखते हो, क्या यकीन दिलाते हैं लोगों को कि मेरिट पे होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये एक पढ़ी लिखी नौकरी है और इसमें लोगों का रोजगार वाबस्ता है जी, लोगों की जायदादों का मसला है। ये पहली दफा एक पॉलिसी पटवारियों की, एक पॉलिसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुरतब की सीएम साहब की सरबराही में और डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कुछ लोगों ने, मैं बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ आपके इस चैनल से, कुछ लोग चाहते थे कि हमारे अजीजों सीएम साहब ने फ्लैटली रिफ्यूज किया कि नहीं ये ऑन मेरिट होगी, वहां कुछ इल्जाम हम लोग बच्चों ने सीएम साहब को कहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। ठीक, तो सीएम साहब ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बुलाया और कहा कि इसमें जहां भी करप्शन साबित हुई उस बंदे को, क्योंकि ये भर्ती का इख्तियार है असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर्स मुलविस पाया गया वो सस्पेंड नहीं होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होगा। अगर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जो है सनाल हैदर की जो एंट्री है पीपी 281 में उसके हवाले से गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, पूरे
मुल्क में अगर हम देखें तो माहौल बड़ा नॉर्मल सा है, अभी 2 साल पड़े हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपके हलके में देखें तो सियासी बाजार हमें बहुत गर्म नजर आ रहा है, जलसे हो रहे हैं, कार्य मीटिंग्स हो रही है, इसकी कोई खास वजह? मौसम भाई, इसमें देखे मेरा हर पॉलिटिकल वर्कर का, मैं कुछ सियासतदान तो होने पड़ा, एक पॉलिटिकल वर्कर, जब इस 24 साल में मैं हमेशा ही मोबाइल रहता हूँ, चाहे हल्के में किसी की शादी हो, गमी हो, दोस्तों के साथ उठना बैठना हो, प्रोजेक्ट्स का अनाउंस करना हो या किसी से वादा करना हो, तब मैं एक दिन अगर आप डेरे पे बैठता हूँ तो दूसरा दिन फील नहीं होता। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन कौन, क्योंकि इलेक्शन लड़ना मौसम भाई हर बंदे का है, राइट है, वो कितना मोबाइल है कितना है ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तो ये शुरू से आदत है कि मैं ऐसे ही हल्के में रहता हूँ। अच्छा खान सर, सलाल हैदर आपके ब्रदर निस्बती हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी एंट्री इस हल्के में हुई है, तो ये मुखालफीन आपके जो है ना वो अभी से लुढ़िया डाल रहे हैं कि दो एक ही घर से दो अफराद शामिल है, थोड़ा सही ज़्यादा सही कुछ तो नुकसान सर होगा? नहीं नहीं है, मौसम नहीं देखे, एक तो वो मेरी फैमिली नहीं, वो गिना यही जाता है कि उनकी सरपरस्ती रही आपको और अभी सर मेरी सरपरस्ती अगर सलाह है जिला नाजम बनने में भी कहते हैं कि गुलाम हैदर साहब ने बड़ा जोर लगाया है, जब वो जिला नाजम बने तो हमने भी जोर लगाया उनके लिए, ये सियासी अलाइज चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो चाहे फेडरल लेवल पे हो, अलाइसेस बनते रहते हैं, अगर वो लोग कहें कि हमारी सरपरस्ती, हमारा तो ग्रुप हो, दोस्त हो, अहबाब हो, और आज मैं ये दावे से कहता हूँ मुझे ना सलाह से थ्रेट है। सर वलक साहब तो पुराना हल्का है गुलाब हैदर, नो ये बात शेख समेत शाहू खान ये सारे बस्ताम की देखी पड़ती है, उनका असर रसूख है, तो इस तरह तो ना कहे ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ पर तो अगर पड़ेगा सर मेरी बात सुन, उन्होंने 93 में जो हल्का छोड़ा जी 3 मंथ बाद जो पीपी 216 था पुराना, ठीक है, छोड़ा, ये 93 से लेकर अब कितने साल हो गए? 27 साल में कौन सा हल्का था? यूनियन कौंसिल सुब्रानशी, यूनियन कौंसिल बस्ती शाहरुख खान, यूनियन कौंसिल शाहपुर का एक मौजा और मेरी इस यूनियन कौंसिल में अगर पीपी 216 में टेल मिस रही हो, यूनियन कौंसल शाहपुर थल रही हो, यूनियन कौंसल सवाला थल रही हो, यूनियन कौंसल राजन शाह रही हो, यूनियन कौंसल गरेवाला रही हो, यूनियन कौंसल वाड़ा सिंह रही हो, यूनियन कौंसल 110 की दिए रही हो, यूनियन कौंसल 306 रही हो, यूनियन कौंसल जमाल छबरी रही हो, यूनियन कौंसल औलत थलकला रही हो, कहाँ आया भाई आपका जिला नाजम तो रहे ना सर, उस वक्त तो सारा उनके अंडर था पूरा जिला, वो तो मैं क्लेम कर सकता हूँ बतौर जिला नाजम, ये नुमान नशीब भी मेरा हल्का था, बकरियाना था मेरा हल्का था, गोर सुल्तान मेरा हल्का था, मैं चुबारा से इलेक्शन लड़ चुका हूँ, क्लेम तो करने के लिए सब कोई कर सकता है, कहीं ना कहीं दोस्त अहबाब उनके बैठे हैं, उनके चेहरे वाले बैठे हैं, कहीं ना कहीं रबते हैं उनके, कहीं भी रबता नहीं है, रबता अगर होता तो किसी तक पजीराई मिल रही है, बहुत धमाके से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते हो सर, मैं देख रहा हूँ, वो कौन है लोग,
किसी की छतरी के नीचे जाकर छुपे हैं, इंडिपेंडेंट जलसा करने होता है जो सिटिंग गवर्नमेंट में होते हैं, उनके साथ चार लोग होते हैं। हमारी सियासत आज से 50 साल से, उस वक्त तहसील थी जिसके मुजफ्फरगढ़ का, आ रहे हैं। हमने इलेक्शन हारे भी नहीं, जीते भी नहीं। इंडिपेंडेंट एक जलसा किया है नहीं, इंडिपेंडेंट तौर पे कहीं गए हैं। आपने खुद ने बताया कि 27 साल हो चुके हैं जी। ऑनरेबल मेरे बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे सवाल आते हैं ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा कि ना ही थ्रेट तो मुझे पिछले इलेक्शन में शियाल मार्को से भी था, थ्रेट मुझे पीपल्स पार्टी से भी था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का सियासी काफिले का इलेक्शन लड़ना ये तो मामूल की बात है सर। दिस इज नॉट ए पार्ट नो में से अपनों का सामने आ जाना, कुछ ना कुछ तो कट लगता ही है सर। देखिए सिवाग से मान अगर दो लड़े जी वो डैमेज होंगे होंगे, उन्होंने क्लेम किया इस बात अच्छा कि हमारा नुकसान हो अच्छा सामने सवाल जी दो लड़े नुकसान होगा, सीहत अगर दो लड़े नुकसान होगा। Sindh is not of a part of Sihar caste. Damad or Behnoi to all of them are. No, no, no. Sakha, wo sara nahi hai. Theek hai. Wo mera start, meri step, theek hai. Step hai. Aur start hi politics mein. Mazrat se ye karun, is channel pe mujhe acha nahi lagta. Start hi politics par gaali bol se ho. Tarbiyat agar aisi ho, to future आने वाला वक्त क्या बताएगा। मैं यही कह सकता हूँ उसके लिए, और ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई थ्रेट नहीं है। राइट हर किसी का बनता है वो इलेक्शन लड़े सर। सिर्फ गालिब गलौज की हद तक बात होती तो चले हम भी कहते थे ठीक है, ये आपने कहा कि ना उसका जवाब देना चाहिए कि सोशल मीडिया पे इस तरफ हमें जाना ही नहीं चाहिए कि जवाब दर जवाब जवाब दर, जैसे हमने देखा था कि दो बड़े मौजूद हैं इसकी तरफ से, पहले एक वालिया माता था फिर दूसरे का वालिया माता था, और लोग भी जो है ना उसके रहते थे। बात यह कि सलाल हैदर ने जलसे में बाकायदा आपको मुखातिब किया, और बास कमीशन वगैरह के चार्जेस के अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जागीरदार हैं और हमें पता है कि कैसे कैसे इन्होंने लोगों की आवाज़ दबाई, कैसे कैसे इन्होंने जुल्म किए। वो वीडियो भी आपके सामने होगी, वो आपने देखी होगी। जब अपने सवाल उठाए तो फिर कहूँगा मैं तो अपना ही कहूँगा आपका, अपने सवाल उठाए तो फिर जवाब तो देना चाहिए सर। मुझे पहले कुछ कह चुका हूँ कि जितने लोगों की आवाज़ दबाई जाती थी जी, तो अगर इस डिस्ट्रिक्ट में इस तहसील में तमाम का रैकेट उठा के देख लें कि कौन सी कौम कौमी असम्बली हो, बल्दियाती सेटअप हो, प्रोविंशियल असम्बली, उनकी अगर नंबरिंग शुरू कर दे, अगर हम जागीरदार होते, लोगों को तंग करते, लोगों की ज़मीनें एडजस्ट करवाते, लोगों को ज़बरदस्ती पर्चे करवा कर उनको डिपोजेस्ट करते, और वही रकबा उनको महंगे दामों बेच कर महलात खड़े करते। वहाँ क्या मैंने भी कहते हैं कि इनके अभी जी खून की बू आ रही है, मैं साथ रहा हूँ, मुझे पता है अंदर का नहीं है। मुझे बात मैंने साहब मेरे लिए काम लेकर उनका भी जवाब देता हूँ। तो रेटिंग की बात कर रहा था कि कौन सी फैमिली ज्यादा असेंबली में गई, लोगों ने किन को मुद्रित किया है, बिल्कुल ठीक ये रिकॉर्ड सामने है। और जिन लोगों ने जो जहां मैं बैठा हूं, इस इलेक्शन हमने भी हारे हैं, रनर अप रहे हैं या जीते हैं, चौथे पांचवे नंबर पे नहीं गए, लोगों ने इतना निग्लेक्ट किया कि पीटीआई के बोम में पीटीआई के टिकट के बावजूद चौथे नंबर पे पांचवे नंबर पे आए, क्या वो जालिम है या हम लोग जालिम है। बात कर रहा हूँ आना देखो मेरे लिए मजीद नियाजी, मेरा छोटा भाई हमारे साथ रहा है, धड़के मारने से सियासत नहीं होती, वो बिल्कुल हमारे साथ रहे, उनके बाप हमेशा हमारे साथ, जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने मुझे हमें क्यों नहीं छोड़ा, पूरी जिंदगी उनकी मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दादा के साथ, मेरे वालिद मेरे चचों के साथ रही है। ये मुझे नहीं समझ आई, इलेक्शन है किसी का राइट है, लेकिन ये सियासत
गाली गलोच वाली जो है इसको मैं अब भी कंडक्ट करूँगा और मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। कारकर्दगी किसी पे इल्ज़ाम लगाने से सामने नहीं आती, कारकर्दगी दिखाने से काम आती है, किरदार से सामने आती है, अपने अमल से सामने आती है। अगर दिन को मेरा अमल कुछ हो, दोपहर को कुछ हो, रात को कुछ हो, माहौल भी तब्दील हो जाता है, माहौल भी तब्दील हो जाता है। बस इतना कहूंगा कि मेरा बासी हार और जब तक मैं जिंदा हूं ये अल्लाह के लिए खुली किताब। सर आपके पूरे खानदान का जो है हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी से कमीज उठा जैसे कहते हैं, फिर आप काफ में गए, काफ से दोबारा आप पीटीआई में फिर आ गया। बहादुर खान सीहर साहब ने जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है और हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो सूरत हाल है, पहले भी काफ लीग में भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारों से जो है मूव हुआ आप लोगों का वहाँ पे जाना, और अब क्या वो हवा का रुख पहचान रहे हैं, हवा का रुख तब्दील हो रहा है वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं? देखिए मुसन भाई, इस बात का मुझे इल्म भी रात हुआ, आपसे मुशावरत नहीं की गई? नो, मुझसे मुशावरत मैं एक क्यों सर इतने अहम फैसले में कैसे मिलते? देखिए अभी आपने खुद ही एक सवाल किया कि एक भाई पी एम एल एन का एक्स गवर्नर सिंध रहा है, दूसरा भाई हमारा पीटीआई का फेडरल मिनिस्टर है जी, एक साला और बहनोई है जानी थी और मखदूम अहमद ने वो एक साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी का सदर है और एक दूसरा पीटीआई में। देखिए हमने कोशिश की कि पीटीआई में दोनों भाई रहे कजन, जब पीटीआई ने उन्हें इग्नोर किया तो हर किसी की अपनी सियासत होती है, उनकी जगह मैं भी होता, मैं भी सोचता कि यार मुझे कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, किस में मेरा फ्यूचर है, किस से मैं अपनी आवाम को उनकी महरूमियों से अजाला दे सकता हूँ या उनके काम कर सकता हूँ। ये सवाल आपका उनसे बनता है, मेरे ख्याल में अगर उनको आप बुला लें चैनल में, माशाल्लाह आपका चैनल, क्योंकि मैं बड़ा मुतासर हूँ आपकी सहाफत से कि आप उनको भी बुला दें। मुझसे ना मुशावरत हुई है और ना ही कोई एस्टेब्लिशमेंट की जो बात की है, ना उस वक्त हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का इशारा था, लेकिन अपोजिशन 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 करके हमारे ग्रुप के लोग, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब थक चुके थे अपोजिशन से कि हमें भी इलाके में तरक्याती काम चाहिए। बातें तो सर ये चल रही है कि साहबुद्दीन साहब भी अपने दौरे इक्तदार के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना पटका जो है वहाँ पर भिजवाया कि उसको किसी तरह रखा जाए। सर मैं ऑनेस्टली बात करूँगा आज कि जब से मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी है जी, मेरा अगर किसी पीपल्स पार्टी के हाई अप्स छोटे लेवल पे किसी भी क्यादत से रहता नहीं रहा मेरा, अगर ये साबित हो जाए तो ये देखिए इल्ज़ाम लगाना मामूली सी बात होती है, उसको साबित करना लोगों को हजम नहीं हो रहा सर, लोगों को हजम नहीं हो रहा कि वो उधर हो और उनकी बीच जो है रियाज साहब की है, वो ये कैसे मुमकिन होगा सर? देखिए इस कदर वो भी इग्नोर करेंगे, गुलाम हैदर साहब भी इग्नोर करेंगे, कैसे फिर आप, आपका निज़ाम कैसे चल? नहीं देखिए ना, अब पहले साहबिया साहब उनकी विंग हो सकती है, हो सकती है, आपको कोई इतराज नहीं होगा? नहीं मुझे कोई इतराज नहीं होगा, पार्टी जो फैसला करेगी उनका कि उनका आगे बात है, उन्होंने अपना बंदा तो लेना है, हाँ बिल्कुल लेना है, तो जो पार्टी फैसला करेगी। अब देखिए गुलाम हैदर से आपको फर्क नहीं पड़ता था, तो सीट अगर आपस में तकसीम हो गए तो फिर तो फर्क पड़ेगा, वो उनका वोट मांगेंगे तो आपका डैमेज होगा। आपने खुद ही कहा कि सीट फेमस है होता तो मेरा डैमेज हो सकता है। अब इसकी जवाब मैं ये दूं कि कुछ होता है पार्टी वोट, कुछ होता है इलेक्टोरल्स का वोट, कुछ होता है कि जब एक इलेक्शन की कैंपेन शुरू होती है फ्लोटिंग वोट से है, ठीक है, ये तीन फैक्टर होते हैं इलेक्शन में। मैं खुद अगर 5,000 वोट बैंक रखता हूँ मैं मुसर भाई आपको 5,000 नहीं दिलवा सकता, ये एक इलेक्शन की सैकी होती है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारा खानदान। सर अगर मुखलिस हो गए तो 5 में से 4 तो मिलेंगे ना सर?
तकरीबन हमारा मैंने आपको ये बताई है पार्टी वोट फ्लोटिंग वोट और इलेक्टेबल्स का साथ ही जो वोट उनको पड़ा है हमारी ग्रुपिंग की सियासत है। आपको याद होगा 90 जो इलेक्शन हुआ पी एम एल एम की गवर्नमेंट में वाड़ा से पीटी तो अपोजिशन में थी ना हम लोग पीटी वाड़ा बसीरा सवाला छापुर 306 राजन शाह पीटीआई की जिला परिषद उम्मीदवार जीते जी एम की गवर्नमेंट खैर वाला 8 हमारे एम एल ए तो वहाँ ये मुसल बिहार में आपको आखिरी बात बता अल्लाह ताला की जात जिस पे राजी हो वोटों का आना भी लगा रहता है जाना भी लगा और मुझे अल्लाह ताला की जात पे और अपने दोस्तों पे ये यकीन है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में फिर भी करूंगा अल्लाह ताला के हुक्म से और दोस्तों की मदद से। पिछले इलेक्शन में वो साहब ने कहा पिछले हमारे इसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुझे हराया गया मेरा तब्दील किया गया बहादुर खान साहब जीते हुए थे उनकी सीट को तब्दील किया गया तो उसके बदले में शहाबुद्दीन खान साहब को प्लस करके उनको सीट दी गई मेरे रिजल्ट रोक लिए गए मैं जीता हुआ था उनसे। अच्छा देखिए ये इल्जाम अब लोकल लेवल पे भी आ गए आपके तो बराबर नहीं था उनका एग्जाम मतलब वो तो दावा था उनका कि मैं जीता हुआ था अच्छा नहीं जीता वो जीते हुए होते तो वो पी एम एल एन के उम्मीदवार हैं पी एम एल एन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं मैं पी टी ए की पॉलिसी को फॉलो करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी वही आ गई जो जीतता है वो कहता है जो इलेक्शन सही हुए हैं जो हारता है मुझे हराया गया है भाई इस मुल्क में कब निज़ाम ठीक होगा भाई आप 19,000 वोट से 30,000 पे आए हैं मैंने बता सर कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करेगा लोग देखिए अब कोई ना कोई पैरल पहले मैं शुरू से बात कर रहा हूँ आप 19,000 से 30,000 पे आए अब मैं कहूँ कि अगर हराना होता तो फिर मैंने तो लिए 36,000 वोट मारे जहाज को भी हरा देते उनका तो मार्जिन कम है चलिए हराना होता तो मैंने कह मतलब अलग सा मेरा तो यहाँ पे तो बजट पेश कर दिया ना एक सीट पे आपको पीछे किया गया तो नो आपको रोड है उसमें अच्छा तो बजट तो दिया तो फतन दी होती तो फिर साहबजादा साहब तीसरे नंबर पे क्यों आते 64 हम इंडिपेंडेंट उस वक्त 89,000 वोट मान लेते 89,000 सही मैंने लड़ने के चांसेस हैं आपके कोई बात बात ये बातें चलती होंगी पता नहीं अगला इलेक्शन मैं जो समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जितनी अपनी आवाम की खिदमत एनडीए कर सकता हूँ मैंने नहीं कर सकता असर कितने फीसद चांसेस है कि अगला इलेक्शन आप पीपल्स पार्टी से नहीं पीटीआई से लड़ें सर देखिए मैं पीटीआई में हूँ पीटीआई में रहूँगा और पीटीआई से ही इलेक्शन लड़ूंगा मेरी तो पता नहीं ये बहादुर खान साहब की इंडिपेंडेंट राय थी मेरी तो कोशिश थी कि अहमदा हम लोग पी टी आई से एम एल ए का टिकट लें लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा तो उनकी अपनी राय किसी के राय में कदम तो लगाया नहीं जा सकता चले हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर खान साहब आपका नाज़रीन आपने गुफ्तगु सुनी और हमेशा से शहाबुद्दीन खान साहब का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा साफ गोई से काम लिया और उन बातों को भी वो एडमिट करते हैं जिसमें उन्हें कहीं पे भी कोई ऐसी बात या कमी बेशी नज़र आती है तो वो बर्मला उसका इतराफ़ करते हैं कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की कोताही है या इसको बेहतर होना चाहिए फैसला आपको करना है इजाज़त दीजिए अल्लाह के बारे में।